आज आप लोग को मैं पपीता के बारे में बताने वाली हूँ कि पपीता में क्या क्या गुण हैं। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि पपीता एक ऐसा फ्रूट्स है, उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। उसका रूट से लेकर बीज, फल, पत्ते सभी बहुत गुणकारी हैं और सभी चीज़ों में हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट बीमारी के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि पपीता जो है उसमें काफ़ी विटामिन, सभी विटामिन पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन है, फास्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, सभी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके गुण के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूट्स से। तो पपीता का जो रूट्स है उसको, रूट्स को निकाल कर अच्छी तरह से धोकर हाइजेनिक का ध्यान रखें और 50 ग्राम रूट्स पीस कर 100 ग्राम पानी के साथ अगर 21 दिन तक पिलाया जाए पेशेंट को, तो कैसा भी पथरी हो, खासकर किडनी का पथरी, गलकर वो पेशाब के रास्ता से निकल जाती है। तो ये इसका रूट्स का गुण हुआ। अब हम इसका पत्ते का गुण बताते हैं, पपीता के पत्ते का। अगर किसी को प्लेटलेट कम हो गई हो तो पपीता के, एक पपीता का पत्ते को धोकर अच्छी तरह से इसका जूस निकाल कर रोज़ अगर पिलाया जाए तो 7 दिन में प्लेटलेट काफ़ी अच्छी तरह से रिकवर कर लेगी। अब इसका फल का, फल के तो बारे में सभी जानते हैं। पपीता एक ऐसा चीज़ है कि हर जगह, किसी भी जगह आसानी से ही उग सकती है और आसानी से इसको हम लगा सकते हैं, आसानी से इसका फ्रूट मिलता है। तो पपीता खाने से कब्ज दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये पपीता फल हो। और पपीता का बीज, पपीता का बीज रोज़ 10 पके हुए पपीते के बीज 10-12 रोज़ खाने, इस खाली पेट खाने से हमारा पेट का कीड़ा मर जाती है। कहीं पेट में कीड़ा हो गया और पपीता का बीज, पके हुए पपीता का बीज आप रोज़ खाइए तो आपका कीड़ा, पेट का कीड़ा मर जाती है। तो दोस्तों, पपीता के बहुत सारे गुण हैं, बहुत ईजी से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, और इसका गुण जितना हम बोले तो बहुत ही कम पड़ता है, बहुत सारे गुण हैं। तो दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम दूसरे वीडियो में फिर अच्छे अच्छे लेके आपको टिप्स लेकर आएंगे। और आप लोग के लिए थैंक यू, धन्यवाद।